मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है। इसमें इंदौर की हालत सबसे ज्यादा नाजुक बनी हुई है। शहर डेंजर जोन में शामिल हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 37 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। शहर में संक्रमितों की संख्या 69 पहुंच गई है, जबकि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 86 हो गया है। वहीं कोरोना वायरस के कारण अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। शहर में और स्थिति न बिगड़े, इसलिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। शहर के 21 इलाकों में पैर पसार चुका कोरोना के चलते करीब 2 लाख लोगों पर प्रशासन की नजर है। वहीं अब तक मिले संदिग्धों में 600 से अधिक लोगों को अलग अलग जगह बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, जबकि 350 से अधिक लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। कमिश्नर आकाश त्रिपाठी के मुताबिक सभी आंकड़े बढ़ने की स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं और कोरोना संक्रमितों के संपर्क में जो लोग थे उनके सैंपल भेजे गए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि हो सकता है कि शहर में मरीजों का आंकड़ा 100 से 200 तक जाए, लेकिन हम मानसिक तौर पर तैयार हैं। दिल्ली में आयोजित तबलीगी मरकज में जमात कार्यक्रम में इंदौर के 2 लोग भी शामिल हुए थे। जमात के कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया था। इसके बाद मकरज में शामिल लोगों की सूची केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को भेजी गई। इस सूची के मुताबिक इंदौर के भी 2 कार्यकर्ता मरकज में शामिल हुए थे, जिनके नाम पते प्रशासन को भेजे गए हैं। हालांकि पते में स्पष्टता नहीं है, लेकिन प्रशासन इन्हें खोज रहा है। इसके बाद उन्हें क्वारंटाइन कर जांच की जाएगी। संक्रमितों का दायरा इंदौर के 21 इलाकों तक फैल चुका है। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। इनमें नूरानी नगर, लिम्बोदी मेन रोड, चंद्रनगर स्कीम 71, रानीपुरा, स्नेहनगर, सपना संगीता, मनीष बाग, मेपलवुड, निपानिया, टाटपट्टी बाखल, दौलतगंज, सिलावटपुरा, दौलतगंज रानीपुरा, दौलतगंज हाथीपाला, दाऊदी नगर खजराना, खातीवाला टैंक, श्रीनगर कांगड़ा, कोयला बाखल, अरिहंत अस्पताल, गुमास्ता नगर, चंद्रपुरी, मूसाखेड़ी, अहिल्या पल्टन, रविनगर, आजाद नगर, MR9 और श्रीराम कॉलोनी शामिल है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।